प्यारे भारतवासियों, आज 15 अगस्त है। संपूर्ण देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1947 में हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों से आज़ाद हुआ, और ये हमारे लिए एक ना केवल राष्ट्रीय पर्व का दिन है, बल्कि एक ऐतिहासिक दिन भी है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि भारतवासियों ने बड़े लंबे संघर्ष के बाद अपनी गुलामी से मुक्त हुए और पूरे देश में इसको मनाया जा रहा है। 200 साल तक देश अंग्रेजों के गुलाम रहे, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली, इसके लिए कई हमारे नेताओं ने, स्वतंत्र सेनाओं ने लंबी लड़ाई लड़ी, और हम आज उनके प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए लड़े। आज विशेषकर हम याद करते हैं महात्मा गांधी जी का, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, और उनके साथ ही याद करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और उनको पूर्ण सहयोग दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, शहीद भगत सिंह आदि लोगों ने, और उनके साथ सैकड़ों स्वतंत्र सेनानियों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और यहाँ तक कि अपने जीवन कुर्बान कर दिया, बड़ी कीमत चुकाई इस आज़ादी के लिए। आज हम लोग खुश हैं क्योंकि हम लोग आज़ाद हैं, लेकिन कई लोगों को इस आज़ादी का अर्थ पूर्ण रूपे न समझ में नहीं आ रहा है। आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है, गलत प्रयोग किया जा रहा है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम अपने मन चाहे करें, आज़ादी का मतलब यह है कि हम स्वतंत्र होकर देश का निर्माण करें, देश की जनता का सम्मान करें और देश की प्रगति और उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आज हमारे देश में नफरत का बीज कई जगह पर बोया जा रहा है। हमारा देश विविधता का और अनेकता का देश है। हमारे देश में कई धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र के लोग रहते हैं, कई समुदाय के लोग रहते हैं, बड़े प्यार से रहते थे एक दूसरे के सम्मान और इज्जत के साथ, लेकिन कुछ वर्षों से आपस में नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है, और ये हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि हम सब भारतवासी एक हैं, हम सब भारत के सुपुत्र सुपुत्रियां हैं, और हमारा देश भारत देश महान है। आज लोगों के बीच में एक तरह से नफरत पैदा करते हुए तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का नहीं। वैसे ही हमारे कई लोग हैं जो पूरे देश में गंदगी फैला रहे हैं और पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। देश में गरीबी का उन्मूलन अभी तक नहीं हुआ है, बेरोजगारी, बेघर और भुखमरी बढ़ती जा रही है, और गरीब और अमीरों के बीच में ये खाई जो है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए आज हम सबका फर्ज बनता है कि हम देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश में शांति के लिए, सौहार्द के लिए प्रयास करें, और हर एक अपना सहयोग देते हुए देश को आगे बढ़ाने में, एक सुपर पावर बनाने में मदद करें। जय हिंद, जय भारत।